दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे शिवा एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। दीपावली की रात एक मुट्ठी धनिया कंगाल को भी बना सकता है धनवान। दोस्तों धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। धनिया हमारे घर में धन बरकत कराने में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। कभी भी धनिया को बेकार में नहीं फेंकना चाहिए। दीपावली और धनतेरस की रात धनिया के लिए छोटा सा उपाय आपको बना देगा माला माल। धनवान बनना है तो यह वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, वरना आपकी मर्जी बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो जानकारी है व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है छोटे से जानकारी आपकी किस्मत सवर जाए, क्योंकि कहा जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों कभी भी घमंड नहीं कीजिए, समय बड़ा बलवान। कई राजा रंग कई निर्धन वान, क्योंकि मित्रों निर्धनता को धनवान बनने में जो छोटे छोटे जानकारी है बिल्कुल ही अहम भूमिका निभाती है। समय बड़ा बलवान होता है। अगर हो सकता है अगर आज की जो मैं जानकारी बता दूं ये आपके निर्धनता को ही मिटा दे, गरीबी को मिटा दे, फिर बाद में आपको कभी भी पैसे की तकलीफ नहीं होती। धनिया का टोटका आज से नहीं बल्कि सदियों से करते आ रहे हैं और इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के अच्छे से जानकारी आपको भी सीखने को मिले, आप चाहते हैं कि मैं आपके हर कदम में मार्ग दर्शन करता हूँ, गुरु की बात में आपको हमेशा हेल्प करता रहूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है या जिस समस्या से जूझ रहे हैं वह भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल ही आपका मदद जरूर करूंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, साबुत एवं साफ धनिया ले आना है। उसमें डंक वगैरह या फिर कीड़े वगैरह नहीं लगे होने चाहिए। इसके बाद इसमें गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव कर देना है और माँ लक्ष्मी जी कुबेर जी भगवान गणेश जी की पूजा के बाद उसको धनिया को भेंट स्वरूप यानी कि माता लक्ष्मी को भेंट कर दें और प्रार्थना करना है भगवान गणेश जी की, कुबेर जी की, माँ लक्ष्मी जी से, हे माँ लक्ष्मी हमारे घर निर्धनता मिटाए। हम आपको धनिया के द्वारा अपने घर में धन प्राप्त करने हेतु यह धनिया छोटा सा भेंट करें। हमारे घर से निर्धन मिटाए और एक काम और करना, इसे घर के पूरे यानी कि पूरे घर पे आप छिड़क देना, बगरा देना, इससे पूरे घर के छत पर फैला देना। और यह प्रयोग आपको कब, धनतेरस की रात करना है, दीपावली की रात में करना है, दोनों में से कोई भी एक दिन आपको करना है। तो अच्छी तरह से आप अपने पूरे घर में आपको जितने भी घर हैं, जितने भी कमरे हैं, छत वगैरह हर जगह छिड़क सकते हैं, छत पर भी पूरी छिड़काव कर देने हैं। फिर सुबह जब होती है तो रात भर आपको छोड़ देना है। सुबह होते ही इस धनिया को आपको इसे बहते हुए जल में या फिर तालाब में विसर्जित कर सकते हैं। अब अगर खेती वगैरह आपके घर में कोई करते हैं, आप खेती वगैरह करते तो उसको आप लगा सकते हैं। तो मित्रों एक उपाय से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, आपके घर से निर्धनता मिटेंगे, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिटेंगे। क्योंकि तीन महाशक्ति की कृपा प्राप्त हो, पहला माँ लक्ष्मी, दूसरे कुबेर जी, तीसरे भगवान गणेश जी, ये तीनों दिव्य महाशक्ति आपके घर में निर्धनता मिटा देंगे, गरीबी मिटा देगी। ये छोटे छोटे टोटके हमें आगे बढ़ने में, हमें सक्सेस करने में काफ़ी मदद करते हैं। दोस्तों दीपावली का त्यौहार 12 नवंबर को है और धनतेरस का पावन त्यौहार 10 नवंबर को है। दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके तो जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपाय को करते हैं, सही तरीके से उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी स्थायी रूप से आपके घर में वास करेंगी। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास करती हैं, जिससे आपके घर में जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी दोस्तों से, सभी मित्रों से गुजारिश करना चाहूँगा, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिखना। क्योंकि आज हमारे वीडियो को जो देख रहे हैं आप हमारे व्यूअर्स नहीं हैं,
आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, जितने हैं आप लोगों को हम अपने परिवार के अहम सदस्यों में से एक गिनते हैं। आप दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के भाई हिस्से जैसे हैं, इनकी जो भाई होते हैं उस तरह से हैं। कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेहिचक आप पूछें, आपकी मदद की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी मदद की जाएगी। आप अपनी राशि का भी नाम लिख सकते हैं तो हम आपकी राशि के अनुसार भी जो कोई उपाय बन पड़ता है तो हम आपको जरूर आपके कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। बिल्कुल पूरी तरह से आपकी मदद की जाएगी, इसलिए बिना बेहिचक आप कमेंट में जरूर अपनी परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या आप लिख दें। दोस्तों एक छोटी सी फिर से प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किया तो तुरंत लाइक, तो सबसे पहले लाइक कर दिया करें। जी हाँ दोस्तों दीपावली पर माँ लक्ष्मी जी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कच्चे चने की दाल है माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करने से बाद में इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आना है तो जीवन भर माँ लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, यानी चने की जो दाल होती है इसे आप दीपावली और धनतेरस की रात माता लक्ष्मी जी को आप एक लाल पोटली में बांधकर आप इसे माता लक्ष्मी चरणों के पास रख दें और फिर इसे पूरी रात यूं ही रहने दें और इसे अगले दिन आप ले जाकर धन के स्थान पर रख दें। धन कभी खत्म ही नहीं होगा, चारों दिशाओं से धन की बरकत होगी, धन के स्रोत खुलेंगे, नौकरी बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी, तो इसका भी प्रयोग जरूर करिए। दोस्तों दीपावली की रात धनिया का एक छोटा सा उपाय आपको बना सकता है करोड़पति। दोस्तों अगर आपके घर में धन नहीं रुकता, बरकत नहीं होती है या फिर आए दिन किसी न किसी कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती धन को लेकर, तो क्या करें, कर्ज से परेशान हैं, कर्ज इतना बढ़ता जा रहा है कि आप बहुत परेशान हैं, घर तक बेचने को आ गया है, जमीन प्रॉपर्टी बिक गई है, तो एक काम करें दीपावली की रात सबसे पहले तो आप इसे बाजार से आप एक मुट्ठी धनिया लेकर आएँ, एक मुट्ठी यानी कि 10-20 रुपए की आप लेकर आएँ और फिर आप इस धनिया को माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास आप एक कटोरी पर रख दें और फिर आप एक दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद फिर आप इस दीपक से 3 बार इसे घुमाकर धनिया को फिर से माता लक्ष्मी के चरणों के पास रख दें और आप माता लक्ष्मी के श्री सूक्तम का पाठ करें, महालक्ष्मी यानी कि ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर आप इस धनिया को आप एक लाल कपड़े की पोटली बना लें, यानी कि लाल कपड़े में रखकर उसकी पोटली बना लें और फिर इसे आप माता लक्ष्मी के चरणों के पास रख दें। ठीक रात्रि 12 बजे आप फिर से इस पोटली को उठाइए और दीपक से 3 बार उल्टे बार कर माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आप सीधे इस धनिया की पोटली को ले जाकर धन के स्थान पर रख दें, तिजोरी में रख दें, आलमारी पर रख दें। दोस्तों ये इतना पावरफुल उपाय है कि ये कभी भी धन को खत्म नहीं होने देता। जब तक ये पोटली आपके तिजोरी में, आलमारी पर, धन के स्थान पर, धन पेटी पर रखी रहेगी, आपकी धन पेटी भरी रहेगी पैसों से और आपकी तिजोरी इतनी पैसों से भरी रहेगी, पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। जी हाँ दोस्तों ये उपाय बहुत ही पावरफुल है, 100% आपको लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों धनिया का एक छोटा सा उपाय और कीजिएगा दीपावली के दिन या फिर चाहे धनतेरस के दिन। आप क्या करें, अगर आपको लगता है घर में धन तो आए साथ ही बाहरी निगेटिविटी भी दूर हो जाए, घर में स्वच्छ वातावरण महसूस हो, माता लक्ष्मी कृपा सदैव बरसे, आप चाहते हैं साल भर धन की बरकत हो, तो आप क्या करें, आप पूरे घर में आप माता लक्ष्मी के स्मरण करते हुए धनिया को आप पूरे घर में छिड़काव कर दें, एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, जितने भी छिड़काव कर दें और फिर आप क्या करें दीपावली की रात्रि को दिन में छिड़काव कर दें और दीपावली की रात जैसे ही पूजा पाठ हो जाए, माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करने के बाद शाम के समय आप यानी कि क्या करें कि झाड़ू लेकर आप यानी कि इसको क्या करें कि अगले दिन दीपावली के रात्रि नहीं बल्कि इसे अगले दिन झाड़ू लगाकर पूरी तरह से इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करने के बाद फिर आप इसे जाकर किसी बहते हुए नदी में या फिर किसी तालाब में प्रवाहित कर दें। ये बहुत ही पावरफुल उपाय है, ये इतना पावरफुल उपाय है, इससे आपकी किस्मत समर जाएगी, माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये उपाय जरूर करिएगा, माँ लक्ष्मी कृपा बरसती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों कमेंट में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।